नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पक्के केले के भजिए बनाएंगे। भजिए बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पक्के केले, 1 कटोरी बेसन, नमक स्वाद अनुसार और चुटकी भर हींग। एक बर्तन में हम 1 कटोरी बेसन लेंगे, उसमें चुटकी हींग डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करते हुए उसका अच्छे से भजिया बनाने के लिए हम घोल तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डाल देना है, धीरे धीरे उसमें ऐड करते जाना है और घोल बनाना है ताकि गांठे ना हो जाए। जब भजिया बनाने के लिए घोल तैयार हो जाए तो उसमें हमने जो गरम तेल रखा है आंच पर, उसमें से 1 चम्मच लेके इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे भजी एकदम क्रिस्पी बने। अब हम केले को अच्छे से छील लेंगे और उसको मीडियम पीस में काट लेंगे। इसके एकदम छोटे पीस नहीं करने और एकदम बड़े भी नहीं करने हैं, मध्यम रखना है। ये भजिए इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। अब हम इसे घोल में डाल देंगे और हमने जो तेल रखा है मध्यम आंच पर उसको गर्म करने के लिए, उसमें हम इसे डाल देंगे। आंच मध्यम रखनी है ताकि भजिए हमारे चल ना जाए। एक एक करके हम सारे भजिए इसमें डालते रहेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। लाइट ब्राउन कलर होने तक इसको हम तेल में पकाते रहेंगे। ये अच्छे से बन गए, हम इसे अब डिश में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे केले को घोल में डाल के इसके भजिए बनाएंगे। किसी को वैसे ही केले नहीं पसंद होते तो ये भजिए के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं और ये कम समय में और कम सामग्री के साथ हो जाते हैं तैयार। खाने में भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं। हमारे भजिए बनके तैयार है। हम इसे टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।